हेलो एवरी वन दिस इज मुबारिक अली खान आई होप यू आर back आई एम tutorial, and today वी आर लर्निंग learning everything अबाउट IELTS लाइफ स्किल्स इसमें उर्दू में भी बात होगी इंग्लिश में भी बात होगी अगर वो लोग जो इंग्लिश को तरह समझते नहीं हैं तो नो वरीज दिस इज़ फॉर यू बेसिकली और इसमें अगर आप मैट्रिक आपने किया है या आपने पी की है और uh, अगर आप लेट्स uh, से के यू हैवेंट गॉन टू स्कूल इवन तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है आप हर तरह का कोई भी बंदा इस आयल्स लाइफ स्किल्स एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है इसको ज़रा से देखते हैं और फिर देखते हैं कि हम फर्दर आगे क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं इसके साथ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट आर द एम्स टूडे बेसिकली वट वी आर डूइंग एंड वट यू विल लर्न वी विल लर्न अबाउट द बैकग्राउंड टू आयल्स लाइफ स्किल्स हम आयल्स लाइफ स्किल्स के जो यूज़र्स हैं कि कौन कौन लोग टेस्ट लेते हैं उनके बारे में बात करेंगे विल ऑल्सो टॉक अबाउट टेस्ट कॉन्टेंट एंड फॉर्मैट कि इसका फॉर इसकी फॉर्मेटिंग क्या है इसके कॉन्टेंट क्या है इन फैक्ट आई विल शो यू आर रियल एग्जाम एज वेल तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि पेपर बेसिकली कैसा होता है और हम लेवल्स ऑफ द टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे और हम उसके बाद असेसमेंट क्राइटेरिया कि आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं आपको पास या फेल जैसे आप होते हैं तो उसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप पास होते हो या क्या एलिमेंट्स की कमी की वजह से आप फेल होते हो सो so ये सारी बातें यहाँ होंगी सो लेट स्टार्ट अबाउट द टेस्ट सेक्शन नंबर वन यू सी द बैकग्राउंड ऑफ़ द आई एस लाइफ स्किल्स इज़ दैट इट्स अ न्यू इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ऑफर्ड बाई

जनरल कैटेगराइज करूँ तो लिसनिंग और रीडिंग जो है वो रिसेप्टिव स्किल्स में काउंट होती है और स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो प्रोडक्टिव स्किल्स में काउंट होती है तो इसमें दो की जगह एक रिसेप्टिव और एक प्रोडक्टिव स्किल है फॉर एग्जांपल स्पीकिंग इज प्रोडक्टिव स्किल ओवर हियर एंड लिसनिंग इज रिसेप्टिव स्किल ओवर हियर और इसके बाद जो है वो सेफर जो है कॉमन यूरोपियन फ्रेम के भी लेवल पर ही आता है जिसको ए एंड बी दोनों के अलग से लेवल्स हैं ना इसकी ज़रूरत क्या थी ज़रूरत इसलिए है कि इट इज़ डिज़ाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यू के वीजाज एंड इमिग्रेशन तो अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि वाई आर यू डूइंग दिस आयल्स तो इसका सबसे वैलिड आंसर ये होता है आई एम डूइंग आयल्स फॉर पार्शल फुलफिलमेंट ऑफ माई वीज़ा रिक्वायरमेंट क्योंकि ये आपके वीजा के रिक्वायरमेंट है फॉर सर्टन वीजा कैटेगरीज एंड अदर इमिग्रेशन पर्पजेस ये सब के लिए ही होता अब आयल्स लाइफ स्किल्स किन के लिए बनाया गया है हु आर एलिजिबल फॉर दिस पीपल अप्लाइंग फॉर वीजाज फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली ऑफ अ सेटल्ड पर्सन मतलब कि अगर से कि अगर आप फीमेल हैं और आपका जो हस्बैंड है वो वहाँ यूके में सेटल्ड है तो आपको अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए भी आयोस लाइफ स्किल्स देना पड़ेगा या इनडेफिनेट लीव टू रिमेन ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पर स्टडी वीजाज पर गए और स्टडी uh, वीजा किया आपने पोस्ट स्टडी वर्क आपका हो गया और उसके बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच रहे होगे जहां पर अब आप चाहते हो कि आपको पीआर मिले या इफ़ यूर गेटिंग मैरिड ओवर देयर तो उसके लिए भी ये रिक्वायर्ड होता है और इसके अलावा सिटीज़नशिप के लिए भी आपको आयर्स लाइफ स्किल्स रिक्वायर्ड होता है वजह क्या है क्योंकि आप उन जगहों पर जा रहे हो जहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है और आप किसी और कंट्री से हो जहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुबई uh, से हैं आप uh, सऊदिया से हैं आप पाकिस्तान से हैं आप इंडिया से हैं आप कहीं से भी हैं जहाँ पर इंग्लिश बेसिकली नहीं बोली जाती तो इसलिए आपकी इंग्लिश एबिलिटीज को चेक करने के लिए चाहिए होता हाउ इज़ अ टेस्ट ऑर्गेनाइज ट्राइंगल आप देख सकते हो एक एग्जामिनर है रेड में और ब्लू और ग्रीन में एक uh, दो exam, दो एग्जामिनीज हैं ठीक है तो एक एग्जामिनर होता है टू कैंडिडेट्स होते हैं उसके साथ उसके अंदर स्पीकिंग और लिस्निंग को चेक किया जाता है द टेस्ट टेकर कम्युनिकेट विद द एग्जामिनर भी क्वेश्चन है करते हैं तो ये दोनों ही तरीके होते हैं आपके लैंग्वेज uh, को चेक करने के लाइफ स्किल्स के पैटर्न पर सो वट डू टेस्टर्स है बात करते हैं फिर हम बी वन की बात करते हैं ए वन और बी वन के अंदर वन ए वन बी टू ए टू बी यानी टोटल चार कॉम्पोनेंट्स हैं जिसमें ए टास्क वन के दो कंपोनेंट्स हैं और टास्क टू के दो कंपोनेंट्स ए वन के अंदर क्या होता है आपके साथ डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं जो कि फैमिलियर टॉपिक्स होते हैं आगे आने वाली स्लाइड पर मैं आपको गाइड करूंगा कि ये फैमिलियर टॉपिक्स क्या होते हैं एंड आस्क एंड आंसर कोशन ऑन फैमिलियर टॉपिक्स विद ईच अदर आपसे एग्जामिनर भी पूछता है और आप एक दूसरे से भी पूछते हैं आंसर क्वेश्चन ज़्यादा कंबाइंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग टास्क को तो ये इंटीग्रेटेड होते हैं मर्ज होते हैं मिक्स हुए हुए होते हैं जिसके अंदर आपसे स्पीकिंग पे भी क्वेश्चन होता है और आपको लिसनिंग की ऑडियो सुनाकर भी रिटर्न क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आप सॉल्व करते हो या उसके अंदर आप आंसर्स को फिल करते हो और डिस्कस अ थीम रिलेटेड द लिस्ंग टास्क तो हो सकता आपसे थीम के बारे में पूछ रहा हो कि किस सेटिंग में बात हो रही थी फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में बात हो रही थी वो किसी कार वॉश वाले के पास बात हो रही थी या किसी लटसे के फैमिली में ड्राइंग रूम में बात हो रही थी तो आपसे ये चीज़ें पूछता है बी वन के अंदर भी तकरीबन यही बात होती है लेकिन वन बी थोड़ा डिफरेंट होता है जिसके अंदर यू टॉक फॉर वन एंड हाफ मिनट एंड अ फैमिलियर टॉपिक तो कोई फैमिलियर टॉपिक आपको दिया जाता है और आप डेढ़ मिनट के लिए उसके ऊपर बात करते हैं वन एंड हाफ मिनट बेसिकली आप नाइन्टी के लिए उसके ऊपर बात करते हैं एंड इट आंसर्स इन कम्बाइंड एंड स्पीकिंग टास्क जैसे कि ए वन में था एंड प्लान एंड एक्टिविटीड टॉपिक तो हो सकता है कि वो आपको जो लिस्निंग करवाई उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपसे किए जाएँ तो दिस इज हाउ इट इज अ लिटल डिफरेंट ना वट आर फेमिलियर टॉपिक्स कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आ सकते हैं आपके एग्जाम में तो दीज आर टॉपिक्स पर्सनल डिटेल्स श्योरली एक्सपीरियंसिस फैमिली एंड फ्रेंड्स बाइंग गर्ड्स वर्क हेल्थ लेयर यानी कि आपका फ्री टाइम एजुकेशन और ट्रेनिंग हाउसिंग और वैदर इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन आपको डिफरेंट uh, टॉपिक्स uh, आपके आपको हो सकते हैं वह कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मे क्वेश्चन ऑन वर्क और आप दोनों को टाइम दिया जाता है दो जो एक जो कैंडिडेट्स uh, वहाँ होंगे तो आप लोग अपने क्वेश्चन बनाएंगे तो आप पूछ सकते हो कि डू यू वर्क और स्टडी What do यू थिंक शेल वी वर्क इन द नेटिव कंट्री और शेल वी वर्क abroad? तो ये आप पे डिपेंड करता है आमतौर पर ये जो मैंने क्वेश्चन सेकंड वाला बनाया इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनाए जा रहे होते आप उस बंदे का ख्याल रख रहे होते हैं और दूसरा वाला बंदा आपका ख्याल रख रहा है क्योंकि आप दोनों ही कैंडिडेट्स होते हैं लेवल्स एंड लर्निंग आउटकम्स सेक्शन टू सो लिसनिंग स्पोकन प्रोडक्शन स्पोकन इंट्रैक्शन ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि Uh, इसमें ज़रूरी है मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप इसको पॉज कर लें वीडियो को तो इट विल हेल्प यू कि आप इसको इजीली रीड कर पाएंगे मैं एक क्विक सर गो थ्रू कर देता हूँ लिस्टिंग uh, में क्या है कि यू शुड बी एबल टू फॉलो विच इज़ वेरी स्लो एंड केयरफुली आर्टिकुलेटेड विद लॉन्ग पॉजेज फॉर हेम हर और टू एस्मलेट मीनिंग यानी कि ये हो कि जिस तरह भी साउंडस अटर किए गए हैं वर्ड्स बोले गए हैं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो असीमलेट आप कर सकें असीमुलेशन बेसिकली क्या होती है जब टू साउंडस को कम्बाइन किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन बोलता है तो वो गुड गर्ल को गु गर्ल बोल देता है या खार uh, पार्क uh, को खा पार्क बोल देता है या इसी तरह से फुटबॉल uh, को फुटबॉल बोल देता है तो आपकी अंडरस्टेंडिंग होनी चाहिए इस बेसिक में सेकेंड टाइम पर भी यही है लेकिन बी वन में आपको एक्सेंट पर भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है और जनरल मैसेज और स्पेसिफिक डिटेल्स में डिफरेंस आपको आना चाहिए ए वन के तरफ वापस आइए स्पोकन प्रोडक्शन में कैन प्रोड्यूस सिंपल मेनली आइसोलेटेड फ्रेजेस अबाउट पीपल एंड प्लेसेज सो यू शुड बी एबल टू मेक सम फ्रेजेस बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं होती लेकिन आप एटलीस्ट कुछ फ्रेजेस बना सकें और अगर आपसे पूछते हैं कि वेयर इज योर पेन तो यू यू शुड बी एबल टू से द पेन इज ऑन द टेबल ये आपसे पूछता है कि वे डू यू पुट द मेडिसन्स ऑफ योर हस्बैंड सो यू मे से दैट आई पुट इट इन द फ्रिज और आई पुट इट इन द कबर्ड और आई पुट इट इन द साइड टेबल तो इस तरह के बेसिक और स्पोकन इंट्रेक्शन के अंदर कैन इंट्रैक्ट इन अ सिंपल वे बट कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेपिटेशन स्लोअर रेट ऑफ स्पीच रीफ्रेजिंग एंड कैन आस्क एंड 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 आंसर सिंपल इनिशिएट टू सिंपल स्टेटमेंट इन एरियाज ऑफ इमीडिएट नीड और ऑन वेरी एरिया टॉपिक्स यानी कि आप बेसिक इंट्रैक्शन कर सकते हो आप रिपीट कर सकते हो आप थोड़ी सी स्पीच रेशो के साथ चल सकते हो रीफ्रेजिंग कर सकते हो तो ये बेसिक चीजें होती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे क्वेश्चन आया डू यू वर्क और स्टडी सो एंड यूर आंसरिंग आई लाइक टू डू जॉब एज वेल एज इफ आई एम गोइंग फॉर सम एजुकेशनल परपज आई आल्सो लव दैट तो आपने रिफ्रेस कर दिया उसको वर्क को रिफ्रेस कर दिया जॉब से और सेकेंड वाले को भी ऐसे ही रिफ्रेस किया लेट्स मूव ऑन लर्निंग आउटकम्स के ये बेसिकली किस चीज़ पर चेक किया जाता है कि आपको पास किया जाए या फेल किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन टिकलुक Listen and demonstrate understanding of verbal communication, everyday conversations, instructions, or recorded text. So, happen is that you should be able to listen and demonstrate? Uh, मतलब कि आप उसको समझें और उसको डेमोस्ट्रेट कर सकें उसको समझा सकें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो कि रेगुलर कॉन्वर्सेशन होती हैं फॉर एग्जांपल किचन टॉक हो सकती है आपकी आपकी ड्राइंग रूम टॉक हो सकती है आपकी बैंक टॉक हो सकती है आप बैंक गए बैंक वाले से बात की आपने इस तरह से डिफरेंट रिकॉर्डेड टेक्स्ट के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिर सेकेंड वाली बात यह है कि कन्वे इन्फॉर्मेशन इस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए वट इज़ कन्वे इन्फॉमेशन गिव अ वर्बल अकाउंट ऑफ रेलिवेंट इंफॉमेशन इन अ स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट टू द कॉन्टेस्ट कॉन्टेक्सट इज बेसिकली बैकग्राउंड के बैकग्राउंड के मुताबिक अब आप, आप किस टोन में आप किस टोन में आपको बात करनी है वो टोन आपके पास होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप मदर हैं तो हाउ मदर बिहेव्स अगर आप सन हैं तो हाउ सन बिहेव्स ये चीज आपकी जरूरी है और साथ स्ट्रक्चर उसका अप्रोप्रिएट होना चाहिए मतलब आपकी टोन अगर आप अथॉरिटेटिव हैं तो अथॉरिटेटिव शो हो और अगर आप उस टाइम पर अथॉरिटेटिव नहीं हैं तो आपका ये पोलाइटनेस शो हो सॉफ्टनेस शो नेक्स्ट इज स्पीक टू कम्युनिकेट मेक मीनिंग क्लियर यूजिंग लैंग्वेज अप्रोप्रिएट टू टास्क एंड कॉन्टेक्स विद एक्यूरेसी एंड रेंज ऑफ लेक्सेस लेक्सिस बेसिकली वो कैबलरी होगी आपकी यहाँ पर ग्रामर एंड फुलॉजिकल फीचर्स फोलॉजिकल फीचर्स मतलब कि जो आपके साउंड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए स्पीक टू कम्युनिकेट के अंदर दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आप एक्यूरेट हों आपके जो एजेक्टिव्स हैं या जो आपकी वो कैबलरी है वो अप्रोप्रिएट यूज़ हो रही हो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोलॉजिकल फीचर्स जो उसमें होते हैं आपके वो सेम होने चाहिए मतलब कि जिस तरह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं अगर मैं कहता हूँ कि आई एम वर्ड अबाउट माई कैरियर तो कैरियर हो सकता है साइकिल वाला कैरियर हो बट वेन आई सही दैट आई एम वर्ड अबाउट माई करियर सो ये करियर और कैरियर ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपका जो प्रोनासीशन है वो ठीक हो फोलॉजिकली आप ठीक बात करें आपका वोकेबलरी आइटम ठीक हो और साथ आप एक्यूरेट हों थ्रू आउट ठीक है और कॉन्टेक्स डिपेंडेंट आप बात कर रहे हो इंगेज इंड डिस्कशन पर बात होती है स्पीकिंग स्पीक विद अदर पीपल मे बी पार्टनर एग्जामर टू गिव एंड ऑप्टेन इन्फॉमेशन अगर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं फिर आप उसके अंदर एक्टिव लिसनर पाए जाए ना कि आप पैसे हेयर पाए जाएं मतलब कोई आपसे बात करे तो बिल्कुल खामोश आप आगे से ना हो अगर कोई आपसे बात करे तो उसमें ओके राइट नाइस इस तरह के वर्ड्स पुट करना वुड बी बेनिफिशल फॉर यू आई एम ट्राइंग टू गिव सम बेसिक टिप्स एंड टेक्निक्स टू यू ओके अगर आप uh, यहाँ कहीं इस्लामाबाद से हैं सो यू कैन विजिट आर आई एड ब्रांच और अगर आप इस्लामाबाद के बाहर से हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस एज वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके स्क्रीन के राइट पर टॉप पे मैंशन है गेट वे स्टडी लिंक्स एट सेवन थ्री वन टू थ्री फोर एट सेवन थ्री वन टू थ्री फोर सो दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर्स इफ़ यू वांट डिटेल्स फॉर श्योर यू कैन कम अब यहाँ पर मैं गर्टिस ही करूँगा कि हमें ब्रिटिश काउंसिल की क्योंकि हम रेफरल पार्टनर हैं तो उन्होंने हमें ये डाटा प्रोवाइड किया आई एम थैंकफुल टू ब्रिटिश काउंसिल ओवर हियर लेट्स मूव ऑन असेसमेंट हाउ आर आई एस लाइफ स्किल्स कैंडिडेट असेस्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है असेसमेंट कैसे होती है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर टू गिव एविडेंस ऑफ द एबिलिटी टू मीट ऑल लर्निंग आउटकम्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए कि उसके पास की सारी लर्निंग आउटकम्स थी मतलब कि वो समझ भी रहा था बात को उसने बात समझाई भी उसकी लिसनिंग भी ठीक थी उसने क्वेश्चन के आंसर्स भी किए और अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स में बात की लेक्सिकल रिसोर्स अच्छा चूज किया औरली वो सही बात करा था। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये सारे लर्निंग आउटकम्स अगर आपने लाइफ स्किल्स को पास करना है तो आपकी स्पीकिंग के अंदर या आपकी लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये होने चाहिए नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इज एट द एंड ऑफ फेज वन एंड एट द एंड ऑफ फेज टू एंड एट द एंड ऑफ फेज टू बी फेज़ वन को एक कंसिडर किया जाएगा टू ए को सेकेंड और टू बी को थर्ड तो उस दौरान वो थोड़ा सा पॉज दे रहा होगा जब आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एग्जांपल उसने आपको एक मिनट दिया क्वेश्चंस बनाने के लिए तो उस टाइम पर आपका जो एग्जामिनर है ही इज मार्किंग यू असेसिंग यू चेकिंग यू तो मेक श्योर sure करें कि हर फेज के अंदर डिफरेंटली आप अपनी लिंग्विस्टिक वराइटी को शो करें बेसिकली दिस इज टू जस्ट शो केस यूर लिंग्विस्टिक अबिलिटीज दैट यू हैव समथिंग इन यू टू टॉक ऑन नाउ द टेस्ट इज बेसिकली डिवाइडेड नेक्स्ट इंटू सेक्शन थ्री सो वट इज इन ए वन टेस्ट एन वन ए में क्या हो रहा है आज कैन आंसर क्वेश्चन ये होगा वन बी आज कैन आंसर क्वेश्चन ए के अंदर एग्जामिनर के, के साथ बात होगी बी के अंदर एक दूसरे के साथ बात होगी क्योंकि ये वन टू तो वन नहीं होता ये वन टू तो टू होता दो कैंडिडेट्स और एक एग्जामिनर को होगा जैसे हमने स्टार्ट में बात की देन टू ए आंसर क्वेश्चन कम्बाइंड लिस्निंग एंड स्पीकिंग टास्क ठीक हो गया कंबाइंड में क्या है कि स्पीकिंग भी हो रही है और लिसनिंग भी हो रही है उस दौरान आपको आंसर करना होगा क्वेश्चन का कहीं पर आपको ऑडियो सुनाई जाएगी आपने ऑडियो के उसको अंडरस्टैंड करके आंसर करना होगा या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा और टू बी कैन डिस्कस अ थीम रिलेटेड टू द लिसनिंग टास्क तो उसमें कोई थीम आ सकती है अच्छा जी दिस इज़ हाउ योर पेपर लुक्स ठीक है फेज़ वन एंड वन बी फोर टू फाइव मिनट्स हैं वन ए के लिए और फाइव मिनट्स हैं फेज़ बी के लिए वन बी के लिए यहाँ भी आप इसको पॉज कर सकते हैं लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस लेट्स वो ऑन सो अब ये और डिटेल में आ गया फेज़ वन ए और वन बी आप इसको चेक कर सकते हो दैट एक्जामिनर विल सेलेक्ट क्वेश्चन फ्राम इन अ वराइटी ऑफ एरिया सच एज नेशनलिटी वर्क स्टडी विद कैंडिडेट्स लिव एंड फ्री टाइम एक्टिविटीज तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे वन ए में होंगे और वन बी में नाव आई वुड लाइक यू टू आस्क ईच अदर सम क्वेश्चन तो अब आप दोनों एक दूसरे से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे यानी कि दोनों कैंडिडेट्स फर्स्ट में एक्जामिनर आपसे पूछेगा और सेकंड में आप दोनों यानी कि दोनों कैंडिडेट्स एक दूसरे से बात करेंगे फेज़ वन एंड वन बी अभी ये नेक्स्ट लेवल आ गया दोबारा से वो जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी एक्सप्लो थोड़ी एक्सप्लें कर चुके हैं इसको देख लीजिएगा मूविंग ऑन नाउ आई वुड लाइक यू टू आस्कन तो फॉर एग्जाम्पल अगर नेबर्स के बारे में क्वेश्चन है फेवरेट टाइम ऑफ ईयर के बारे में क्वेश्चन है तो कैंडिडेट ए जो है वो एक क्वेश्चन बनाएगा कैंडिडेट बी जो है वो दूसरा क्वेश्चन बनाएगा ये वैसे तीन से चार क्वेश्चन आपको बनाने का टाइम दिया जाता है तो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई वुड लाइक यू टू आस्क अबाउट नेबरहुड और नेबरहुड में भी आस्क अबाउट द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर यू लाइक तो इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दी जा सकती हैं और फिर आपको क्वेश्चन बनाने होंगे नाउ थिंक अबाउट द क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस यू हैव वन एंड अ हाफ मिनट अब ठीक हो गया डेढ़ मिनट आपको यहाँ मिलेगा नाइनटी सेकेंड्स जिसके अंदर आपको पेंसिल और पेपर दिया जाएगा और आप उसमें से क्वेश्चन उस टाइम पर बनाएंगे और वहाँ पर आप उसको कंप्लीट करेंगे सो टाइम अलाउड फॉर दैट इज वन एंड हाफ मिनट फॉर प्रेपरेशन जी मूविंग ऑन टू फेज़ वन एंड वन बी अब दोबारा से वही चीज़ आपके सामने आ गई उस चीज़ को जरा एक डिटेल में दोबारा देखेंगे पेपर बार बार दिखाने का मकसद ये है कि आपको कंप्लीट आइडिया हो कि रियल टाइम पर आपके सामने क्या होगा एंड प्लीज़ ड नॉट गो फॉर सच पीपल हु आर नॉट ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स ओके दे डोंट नो दैम सेल्वस दैट वट इज सपोज टू बी इन द एग्जाम एंड दे जस्ट कीप टीचिंग लैंग्वेज टू यू इट इज़ नॉट मच लैंग्वेज इट्स मोस्ट टिप्स एंड टेक्निक्स एंड आर इंस्ट्रक्टर्स द फॉर्नर्स वी कैन हेल्प यू लेट्स मूव ऑन टू जी फेज टू ए टू ए के अंदर फोर मिनट्स और उसके सामने आपको देखें कि आप एक आ, दो ऑडियो सुनेंगे यहाँ पर और आ, दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे और आपको उसकी बेस पर आपके पास जो सी डी प्ले होगा आ, उसकी बेस पर आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना होगा दिस इज़ वेरी ईजी बट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस लॉ ये उसका थोड़ा सा डिटेल का क्लोजअप आ गया आपके सामने इसको यहाँ पे पॉज करके भी आप देख सकते हो इफ़ यू वॉन्ट लेट्स मूव ऑन टू uh, बी आ गया टू बी के अंदर देखिए नाव यू आर गोइंग टू टॉक टूगेदर अबाउट प्लेसेज यू लाइक टू गो टू एट द वीक इसके अलावा कोई भी हो सकते हैं क्योंकि ये एक पेपर है टॉक टू ई अदर अबाउट प्लेसेज दैट यू लाइक टू गो टू एंड वट यू लाइक टू डू देअ ठीक है सो so, इसके जो है ना प्रॉम्प्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं इन द बॉक्स इफ़ यू कुड सी सो हू डू यू लाइक टू गो आउट विद एट द वीकेंड और वट डू यू डू Do you like going to new places? Why or why not? Why have I not achi cheese? If you mention it, the person will give you a detailed answer. Which places are good for children to go to? Or what do people in your country like to do in their free time? तो ये सब कुछ है थैंक यू दिस इज़ द एंड ऑफ द टेस्ट ये आपको एग्जामिनर कहता है मूविंग ऑन जी वीकेंड प्लान्स को थोड़ा सा क्लोज अप आपके सामने इफ़ यू वांट टू पॉज इट यू कैन सी एंड यू कैन मेक सच क्वेश्चंस लाइक दैट अगर आप किसी एग्जामिनर के साथ नहीं भी इंस्ट्रक्टर uh, के साथ नहीं भी प्रैक्टिस करना चाहते तो वी कैन हेल्प यू इन टेकिंग योर मॉक्स हियर इन आर हेड ऑफिस इन आई मर्कस ये भी किया जा सकता है लेट इस मूव ऑन बी वन टेस्ट जी बी वन टेस्ट के अंदर तकरीबन मोर और लेस सेम बातें हैं लेकिन वन बी जो है टॉक फॉर वन एंड हाफ मिनट ये आपके ए वन के अंदर नहीं होता और टू बी में जैसे कह रहा है कि प्लान एक्टिविटी एंड डिस्कस रिलेटेड टॉपिक फॉर एग्जांपल लिसनिंग टास्क में इट वाज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ लेक्चरर एंड अ स्टूडेंट तो अब थीम आ गया आपके पास एजुकेशन का थीम आ गया आपके पास स्टडी का तो अब आपको उस मुताबिक ही इसको डील करना होगा मूविंग ऑन फेज़ वन ए में आ गया नीचे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन आपके सामने है नाउ यू आर गोइंग टू आस्क ईच अदर सम क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट फ्रॉम ईच अदर ये बेसिकली पेपर का पार्ट है सो वट डिड यू डू इन लेट्स से मरी हाउ इज मरी डिफरेंट फ्राम लेट्स से इस्लामाबाद तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हो टू टॉक नाउ सेवन मिनट फेज़ वन बी इन दिस पार्ट आफ द टेस्ट यू आर ईच गोइंग टू टॉक फॉर अबाउट वन एंड हाफ मिनट अब इसमें आपको होता है कि आपको टास्क मिलता है और आप उसके ऊपर वन एंड हाफ मिनट आप बात करते हैं हम बी वन की बात कर रहे हैं ठीक है इट्स पेंशन ओवर देयर ए वन इज स्लाइटली डिफरेंट बी वन इज डिफरेंट मैंने इनको कम्बाइन इसलिए किया ताकि आपको कम्प्लीट आइडिया एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए एंड लाइक वाइज जी uh, ये है फेज़ टू बी और टू बी के अंदर अगर आप देखते हैं तो नाव यू आर गोइंग टू प्लान समथिंग टूगेदर आई वुड लाइक यू टू इमेजन दट अ फ्रेंड इज प्लानिंग अ वी कैंड अ वे इन द कंट्री साइड विद हर फैमिली तो फर्स्ट स्टॉप टूगैदर अबाउट विच ट्रांसपोर्ट शी शुड यूज़ और इस तरह की बातें विच ट्रांसपोर्ट में बस है कार है ट्रेन है विल नीड टू टेक द बेस्ट थिंग टू डू हाउ टू ऑर्गेनाइज या ट्रिप तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं वन यू हैव टू टॉक टू ईच अदर और क्लोजअप उसका आपके सामने है जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आई डी या जी ये सारा कुछ था बेस्ड अप ऑन आर टॉक इफ यू कुड सी अपर मैं आपको ज़रा वापस लेकर अगर चलूँ तो टेका लुक जी यहाँ पर हमें समझ आता है कि ए वन के अंदर थ्री टू तो फोर मिनट का एक टास्क आपने किया फोर मिनट्स का दूसरा टास्क आपने किया और फोर मिनट्स का फाइव uh, मिनट्स का एक टास्क और आपने किया तो ओवरऑल ये आपका फिफ्टीन से ट्वेंटी मिनट्स का टेस्ट होता है इसके कोई बैंड्स नहीं होते इसमें आप को पासिंग और फेलिंग का बताया जाता है कि दैट यू आर पास और फेल तीन से चार दिन में इसका रिज़ल्ट आ जाता है और इट्स वेरी इजी लेकिन अगर आप uh, uh, का स्टडी बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसकी प्रैक्टिस करें I believe I have given the basic knowledge with the facts and figures to you. If you still have any questions, you have my contact with you. Thank you very much for patient hearing. I will see you around with some other video. Till then, take care. Bye bye. La hafiz.